हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेनपैक्ट इंडिया रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए आप सभी को क्लियर कर देता हूं कि ये वैकेंसी केवल ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। तो जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएट हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आप सभी को बताना है इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। फ्रेशर कैंडिडेट भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि किस तरीके से आप इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। पूरी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलता रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जेनपैक्ट इंडिया की तरफ से ये वैकेंसी रिलीज की गई है, जिसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप सभी को इसकी ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना होगा। कैसे आपको अप्लाई करना है कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट एंड वैकेंसी के बारे में। तो टोटल आप सभी को 830 वैकेंसी यहाँ पे आप सभी के लिए निकाली गई है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से मेल एंड फीमेल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट एंड डिपार्टमेंट के बारे में। तो आप सभी को बता दें सर्विस मैनेजर की वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले बात करें यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे एज लिमिट की। तो एज लिमिट आपकी 18 प्लस होनी चाहिए तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर बात करें तो यहाँ पे ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। किसी भी स्ट्रीम में आपने कर रखा हो, चाहे साइंस में कर रखा हो या कॉमर्स में कर रखा हो या आर्ट्स में कर रखा हो, आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल की बात करें तो 40,000 अप्रॉक्स पर मंथ आपको सैलरी यहाँ पे मिलेगी। जॉब लोकेशन की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में हैदराबाद, नोएडा, गुड़गांव और बेंगलोर में आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। अब सिलेक्शन प्रोसेस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ओनली आपका इंटरव्यू बेसिस यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है। एप्लीकेशन फीस या किसी भी तरीके का कोई भी यहाँ पे चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ये कंप्लीट प्रोसेस आप सभी के लिए रखा गया है। कैसे अप्लाई करना है वो भी आप सभी को बताने वाले हैं। हाउ टू अप्लाई, कुछ इंस्ट्रक्शन आप सभी को यहाँ पे दिए गए हैं कि कैसे आप इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एंड साथ ही में आप सभी को बताया गया हु कैन अप्लाई। तो ऑल ओवर इंडिया से मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है, ऑलरेडी आप सभी को क्लियर कर चुका हूँ। कैसे अप्लाई करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको इसका लॉग इन करने के बाद ऑनलाइन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट आप सभी को यहाँ पे दी गई है, जैसे 1 जुलाई से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 2 अगस्त तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसी बीच में आपको जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो भरना होगा। डेट ऑफ इंटरव्यू एप्लीकेशन शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद आपको क्लियर किया जाता है। इंपॉर्टेंट लिंक्स यहाँ पे दी गई हैं ऑनलाइन अप्लाई करने की, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने की। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए स्क्रीन पे जो आपको वेबसाइट दिख रही है आप इसे गूगल में सर्च करें। आगे का प्रोसेस आपको बता देते हैं। पहले आप अपने मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप जो भी यूज़ कर रहे हैं उसमें गूगल ब्राउजर को ओपन करें और मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो उसे डेस्कटॉप मोड पर इनेबल कर लें ताकि सेम आपको इंटरफेस दिखाई दे। साथ ही में आपको यहाँ पर टाइप करना रहेगा studyfordreams.in और जब ये वाली वेबसाइट आप सर्च करते हैं तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलता है studyfordreams.home। आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे सबसे पहले आप सभी को ये नोटिफिकेशन मिल जाता है जेनपैक्ट इंडिया रिक्रूटमेंट 2022। इन केस अगर आपको यहाँ नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पे राइट साइड में टॉप में एक सर्च का बटन दिया गया है, जिसमें आप सर्च कर सकते हैं जेनपैक्ट। तो जैसे आप जेनपैक्ट सर्च करेंगे तो सबसे पहला जो नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है। तो आप इस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके इस वैकेंसी की पूरी डिटेल यहाँ पे ले सकते हैं और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लिक करने के तुरंत बाद आप देखेंगे कंप्लीट नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन हो जाता है, जिसकी डिटेल्स ऑलरेडी मैं आप सभी के साथ शेयर कर चुका हूं। तो दोबारा से अगर आपको कुछ भी कंफर्म करना है तो आप यहां पे कंफर्म कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन आप सभी को यहां पे दी गई है। स्क्रॉल डाउन करने पर दोनों लिंक आपको मिल जाती है, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिंक और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिंक। तो यहाँ पे जो ऑनलाइन अप्लाई वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं जो वैकेंसी निकली हुई है डायरेक्टली आप सभी के सामने दिख जाएंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंसल्टेंट की वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें नीचे आप सभी को बता दिया गया था सर्विस मैनेजर की वैकेंसी है। साथ ही में आप यहाँ पे देख सकते हैं इंसिडेंट मैनेजर की, जो हैदराबाद, नोएडा, गुड़गांव एंड बेंगलोर में निकली हुई है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं 0 to 4 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी फ्रेशर कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी सैलरी है वो अच्छी खासी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है, 6 लाख से लेके 15 लाख रुपए पर एनम तक यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी। तो अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। साथ ही में जॉब डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप सभी को दी गई है। क्वालिफिकेशन वगैरह ऑलरेडी मैं आप सभी को बता चुका हूँ। साथ ही में यहाँ पे देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में तो एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि किसी भी स्ट्रीम में अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही में एम्प्लॉयमेंट टाइप में अगर हम बात करें तो फुल टाइम आपकी परमानेंट जॉब रहने वाली है। फंक्शन एरिया देख सकते हैं कस्टमर सक्सेस, सर्विस एंड ऑपरेशन में आपकी जॉब रहने वाली है।
और यहाँ पे कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। जो रोल रहेगा आपका सर्विस मैनेजर का यहाँ पे रोल रहने वाला है, ऑलरेडी सारी चीज़ें आपके सामने डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए अप्लाई करने के लिए दोनों ऑप्शन आपको मिलते हैं, लॉग इन टू अप्लाई एंड रजिस्टर एंड अप्लाई। तो ऑलरेडी अगर आपने यहाँ पे आईडी क्रिएट की हुई है तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे जाएंगे लॉग इन टू अप्लाई पे और यहाँ पे लॉग इन करने के बाद इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनकेस अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा एंड आफ्टर दैट आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो रजिस्टर एंड अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये रजिस्टर के लिए, जॉब अप्लाई के लिए आपको कुछ इस तरीके से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलता है जो कि आपको कंप्लीट करना होता है। और आफ्टर दैट आप किसी भी वैकेंसी के लिए यहाँ पे डायरेक्टली लॉग इन करने के बाद किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सिंपल प्रोसेस होता है, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करना है। इनकेस नेक्स्ट टाइम यहाँ से कोई भी वैकेंसी निकलेंगी तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे। आई होप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल गई होगी। फिर भी किसी भी तरीके का डाउट है तो आप हमें इंस्टा और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।